तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात यहाँ पर बोली गई है। रियलिटी में आप लोगों ने लाइफ में जरूर फील की होगी, अगर कोई भी काम आप लोग करना स्टार्ट कर देते हैं तो हजारों लोग आप लोगों के आसपास में ऐसे मिल जाएंगे आप लोगों को कि जो आप लोगों को ये बोलेंगे कि ये काम तेरे बस की नहीं है। पर लेकिन अगर आप लोग उनसे नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे, अपने काम पर आप लोग लगे रहेंगे, तो वो इंसान जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप लोग सक्सेस हो जाएंगे तो अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। तो बोला यही गया कि किसी की निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ये आप लोगों ने बिल्कुल रियल उदाहरण अपने आसपास में जरूर देखा होगा। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कई सारी लड़कियों को ये बोला जाता है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा के क्या करोगे, पर लेकिन जैसे ही वो लड़की जो सही पोजीशन पर पहुंच गई तो फिर अपनी लड़की को भी बोलते हैं कि चलो इसको भी पढ़ा लेते हैं। मूवी देखे ना आप लोगों ने, दंगल मूवी, तो पूरा गांव जो रहता है वो महावीर सिंह फोगाट के अपोजिट में खड़ा रहता है। इवन उसका भाई भी जो है उसके अपोजिट में खड़ा रहता है, और गांव के सब लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं यहाँ पर उनके नाम पर। और वही लोग जो है जिस दिन यहाँ पर वो जीत कर आती हैं, तब यहाँ पर सारा जो गांव है, आज की डेट में ये माना जाता है कि मैक्सिमम अगर लड़कियां दंगल के फील्ड में आती हैं तो वो हरियाणा से निकल कर आती हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं यार, जिंदगी में हमेशा अगर आप लोग एक बैरियर को तोड़कर आगे निकलोगे तो लोग फिर बाद में आप लोगों को फॉलो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोगों को उस टाइम पर लगता ही नहीं है कि वो चीज आप लोग अचीव कर सकते हो, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन से दूर होती है। एक्चुअल में उनकी गलती नहीं है, वो सही चीज फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है जैसा आप लोग करने जा रहे हो। तो आप लोग करने जा रहे हो ना, वो तो वो फील उसको कर ही नहीं पा रहे, उसको विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहे कि हाँ ऐसा कुछ हो भी सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे बात की थी ना, जमीन के नीचे से ट्रेन चलेगी, कोई सोचेगा तो ये बोलेगा कि पागल है भाई साहब, धरती पर ही ढंग से नहीं चल रही, तो जमीन के नीचे चलाने की बात कर रहा है। तो इसलिए यहां पर अगर आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं, जिन लोग आप लोगों को बोले कि ये पागल हो गया, तो इसका मतलब ये समझो कि आप लोगों का लेवल बढ़ गया उन लोगों के कंपेयर में, और उन लोगों को आप लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। तो अपने काम पर लगे रहो, अगर उनमें से कोई ये बोलता है कि तुमसे ये काम नहीं होगा, तो कभी भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों का लेवल ही नहीं है उस चीज को समझने का जो काम आप लोग करने जा रहे हो। हाँ, पर उस दिन जरूर समझ में आ जाएगा जिस दिन आप लोग कर लोगे। तो इसलिए कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने जो मार्ग से हटना नहीं है, लगे रहना है। थोड़ा सा देर लग सकती है, पर लेकिन देर आओ दुरुस्त आओ। ठीक है, कैसा रहा आज का ये दिन 18 जो फरवरी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, बताइए किस तरीके से आप लोगों ने एंजॉय की, कितने प्रतिशत आप लोगों ने आज का ये टारगेट आज का जो अचीव कर लिया है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। कहने के लिए बड़ी ही छोटी सी बात है, डेली अपने आपको डिसाइड करना क्या करना है और शाम तक अपने आपको देखना कितना अचीव कर लिया है। पर लेकिन अगर ये छोटा सा काम भी आप लोग रेगुलर करते हैं ना, तो आप लोगों की लाइफ में जो जंप आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग खुद मेसमराइज हो जाएंगे उसको देखकर कि वाओ यार रियलिटी में ये काम करता है। तो इसको आप लोग इंप्लीमेंट करके देखो, फिर देखना कितना मजा आता है आप लोगों को अपनी जिंदगी में। तो काफी शानदार और काफी उम्दा, काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहने वाला है, काफी अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा, काफी शानदार इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोगों को ये लेक्चर देखना है, ताकि जो भी बातें मैं आप लोगों को बताऊं उनको आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सके। ओके, सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक ओवरव्यू कि इसके बारे में क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में फिर हम लोग डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से आप लोग इसका नजारे को देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है शिवाजी महाराज जी के बारे में। शिवाजी महाराज जी की जो टोम है वो डिस्कवर की गई थी 1869 में, यानी कि 1869 में। कौन थी वो महान पर्सनैलिटी जिनके द्वारा इनकी जो टोम है वो डिस्कवर की गई थी, इनकी कब्र जो है वो डिस्कवर की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। अभी रिसेंटली फोन पे ये पर्टिकुलर एक ऐप है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कंपनी बोल सकते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आज के दिन में डिजिटल पेमेंट के फील्ड में जानी जाती है, इसके साथ में मिलकर हमारी कंट्री में ओपन हैकाथोन यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि पाथ ब्रेकिंग सॉल्यूशन की कोशिश कर रही है यहाँ पर फिनटेक सिस्टम के इकोसिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले तो हैकाथोन क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, किस किस को पता है बताइए जरा, फिनटेक क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सारी बातें एक एक कर आप लोगों को समझाऊंगा, तो सारी चीजें माइंड में क्लियर हो जाएंगी, समझेंगे काफी डिटेल में। रिसर्चर जो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कौन सी के यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मटेरियल जिसका नाम रखा गया यहाँ पर बेसिकली ओरागेमी। तो ओरागेमी मटेरियल के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, काफी बेहतरीन एक इन्वेंशन बोल सकते हैं, यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदा इसका देखने को मिलेगा। तो समझेंगे आखिर क्या है ये जो शब्द है ओरागेमी, ये बेसिकली इसका मतलब है पेपर फोल्डिंग। तो यहाँ पर बेसिकली ओरिगेमी आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो ये किस कंट्री का आर्ट है ये आप लोग को बताना है। NCB ये क्या है, इसके द्वारा अभी यहाँ पर डार्क थोन के बारे में बात की गई, तो इसके बारे में डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा। ये डार्क वेब क्या होता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। आज की डेट में क्राइम दुनिया का एक तरीके से नहीं, एक ऐसा घिनौना चेहरा जिसको यहाँ पर एक तरीके से कोई पकड़ भी नहीं सकता, जिसके ऊपर काफी सारी चीज चलती है, और कई बार फायदे के लिए भी यूज किया जाता है, तो वो भी समझेंगे किस तरीके से यहाँ पर फायदा और किस तरीके से नुकसान है, सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूं।
इसी के साथ में बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, ये डील करता है साइबर क्राइम। तो अगर हमारे देश में साइबर क्राइम के बारे में कुछ भी आप लोगों से कोई पूछ ले और बोले कि भाई साहब ये तो बता दो कि कौन सा कानून इसके साथ में डील करता है, तो वो कानून है यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग को ये बताने कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी गिलोय या फिर जिसका नाम है यहाँ पर गुडची, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पर टेंसोपेरा कोडिफोलिया, ठीक है, तो ये भी इसका साइंटिफिक नेम है। ये बोला गया कि ये सेफ है खाने के लिए, पहले इसको टॉक्सिक बोला गया था और काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी थी यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे थे कोविड-19 के टाइम पर, क्योंकि ये इम्यून बूस्टर का काम करता है। तो जानेंगे आखिर क्या ये न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक जजमेंट दिया और जिसमें उसके द्वारा यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि एक सेक्शन है आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का, जिसकी वजह से आज के में जो शादियां हैं वो यहाँ पर दिक्कत में पड़ गई है। तो समझेंगे ये पूरा कानून क्या है काफी अच्छे से, और अगर आप भी आगे फ्यूचर में अपनी जिंदगी को सही तरीके से लेकर चलना चाहते हैं, शादी विवाह करना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये पर्सनल लाइफ में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे अभी जब डिस्कस करूंगा तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा और आप लोगों के चक्षु भी खुलेंगे, तो सोच समझ कर फिर आप लोग शादी करोगे, ठीक है। डरना नहीं है, बातें डिस्कस करूंगा बहुत सारी, पता होना चाहिए बेसिकली आखिर ऐसे भी कुछ चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है, 19 फरवरी को सेलिब्रेट की जाती है बर्थ एनिवर्सरी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो ग्रेट मराठा किंग, तो यहाँ पर इनको बेसिकली रिकॉग्नाइज किया, एक तरीके से याद किया जाता है। और इनके द्वारा एक बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर आप लोग देखते हैं बोलेगी कि नेवर बेंड योर हेड ऑलवेज होल्ड इट हाई, तो ये इनके द्वारा बोला गया कि कभी भी अपना सर नहीं झुकाना है। तो उन्हें अभी आप लोगों ने मूवी देखी है कि आप उन झुकेगा नहीं, ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली पुष्पा के बारे में। तो वही बातें हैं यहाँ पर, इनके द्वारा भी ऐसी बातें बोली गई कुछ भी हो जाए झुकना नहीं है। तो ये इस तरीके से अगर आप लोगों ने एक बार एटीट्यूड बना लिया अपना जिंदगी में, तो आप लोग कभी भी अपने पाथ से भटकोगे नहीं। नॉर्मली लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं चीजों से और अपना रास्ता छोड़कर चले जाते हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। छत्रपति शिवाजी जो है वो पैदा हुए थे फरवरी 9, 1630 में, यहाँ पर बेसिकली जो शिवनेरी फोर्ट यहाँ पर है अहमदनगर सल्तनत के अंदर में, और इनका जो टोम था इनकी जो कब्र थी यहाँ पर वो यहाँ पर खोजी गई थी 1869 में, जिसका नाम था यहाँ पर महात्मा ज्योतिराव फुले जी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये आप लोगों ने अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर एनालिसिस किया होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई जगह देखा होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री में आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार और पहले भी बन चुके हैं, तो इसलिए इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है, एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इशू आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है, वुमेन रिलेटेड इशू। अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सचेत हो जाना आज की डेट में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के पास में अलग अलग हथियार आप लोगों को देखने को मिलते हैं एक दूसरे का गला काटने के लिए, अगर शादी में अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं तो, यानी कि परिवार के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं बन पाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा दहेज प्रताड़ना की हत्याएं के अखबारों में आप लोगों ने सुना होगा कि परिवार वालों ने लड़के वालों की साइड से लड़की को दहेज के चक्कर में यहाँ पर जला डाला, मार डाला, वो केसेस बहुत सारे आप लोगों ने सुने होंगे। पर लेकिन ये जो आर्टिकल है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसके जस्ट अपोजिट है, मतलब यहाँ पर जो लड़की है उसके हाथ में पावर आ गई है, और ये है सेक्शन 498A। तो सेक्शन 498A जो है यहाँ पर ये काफी खतरनाक एक पावरफुल वेपन है महिलाओं के हाथ में। तो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन है ये बेसिकली काफी ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है लड़कियों के द्वारा, ऐसी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आई है। एक कमेटी गठन की गई, तो उस कमेटी के द्वारा भी बोला गया कि हाँ इस सेक्शन का जो है वो मिसयूज किया जा रहा है। अब वो कमेटी कौन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो कमेटी आप लोगों को यहाँ पर इस आर्टिकल के एंड में उसका नाम लिखा हुआ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि उसे भी आप लोग याद कर सके। अभी समझते हैं यहाँ पर ये एक्ट, ये सेक्शन क्यों लाया गया था, क्योंकि यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर हाईलाइट किया है कि इस सेक्शन का जो है मिसयूज हो रहा है। मिसयूज मतलब जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया था कि हाँ लड़कियों के साथ में कुछ गलत अगर कोई यहाँ पर हस्बैंड की साइड से उनके परिवार वाले करते हैं तो इस सेक्शन को इस्तेमाल कर लड़की की जान बचाई जा सकती है। तो क्रुएल्टी ना देखने को मिले, यानी कि उसको मारा जा रहा है, लड़की के साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकतें की जा रही है, तो उसके पर्पज से यहाँ पर ये कानून लाया गया था। तो इसलिए यहाँ पर अभी ये न्यूज में आया, तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी डिटेल में ये आर्टिकल जो है ये यहाँ पर कवर किया गया, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। जब यहाँ पर बात करते हैं क्रुएल्टी के बारे में, यानी कि एक तरीके से अगर कोई भी जो हस्बैंड की साइड से अगर कोई क्रुएल्टी करता है, अब आप लोगों से पूछे कि क्रुएल्टी क्या कर रहे हैं, यानी कि क्रुएल्टी मतलब क्या यहाँ पर छेड़खानी कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर कुछ वायलेंस किए जा रहे हैं, तो उनमें क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि
फिजिकल वायलेंस हो सकता है, किसी भी तरीके थप्पड़ मार दिया, हिट कर दिया, ठीक है, कुछ उठाकर मार दिया, वो सारी चीजें हो सकती है। फोर्स सेक्सुअल वायलेंस हो सकता है यहां पर, यानी कि फोर्सफुली इंटरकोर्स करना, तो ये काफी हद तक एक तरीके से गलत चीजें होती है, जिसमें मैंने कई सारे आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किए हैं यहां पर मैरिटल रेप के बारे में, तो वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बन जाता है। इसी के साथ में इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज कहते हैं, यानी कि बात बात पर इंसल्ट कर दिया, जैसे नहीं अगर मान लीजिए आज के में दहेज का ऐसे प्रथा है, अगर लेकर न जाओ तो बार बार पर ताने मार देना सास के द्वारा, तू लेकर ही क्या आई है, ठीक है, तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया, ठीक है, जरा सी कुछ बात हो गई तो बात बात पर सुना देना उठाकर, तो एक तरीके से एक नहीं कि कई बार यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करना, ठीक है, और कई बार बच्चों से भी दूर कर देना कि तुझे बच्चे के पास नहीं आने देंगे, और ये मारा पीटे, पता नहीं क्या क्या मतलब दरिंदगी होती है सोसाइटी के अंदर में, तो उन सारी दरिंदगियों से बचाने के लिए यहां पर महिलाओं को बेसिकली ये सेक्शन दिया गया, ताकि जल्दी से जल्दी उनको सॉल्यूशन मिल सके। इसी के साथ में कई बार कंट्रोलिंग बिहेवियर देखना पड़ेगा, आइसोलेट कर देना, घर में मेहमान आ रहे हैं मेहमान से नहीं मिलने देना, ठीक है, उसकी हर एक चीजों पर रिस्ट्रिक्शन रखना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मामले में भी, एजुकेशन के मामले, मेडिकल केयर के मामले में, सारी चीजें हमसे पूछ के करेगी, हम हमारी इजाजत के बाहर घर से पैर भी नहीं रखना है, तो ऐसी कोई भी अगर हरकतें देखने को मिल रही है, वो एक तरीके से उसको घर में ही कैदी बना दिया है। तो ये सेक्शन यूज किया जाना था, जिसका नाम था 498A सेक्शन। तो ये यहां पर बेसिकली रैपिड स्टेट इंटरवेंशन, यानी कि जल्दी से जल्दी आकर यहां पर उस लड़की को सहूलियत प्रोवाइड कराने के लिए यहां पर ये सेक्शन था, ताकि उस लड़की की लाइफ को अच्छा बनाया जा सके, अगर हस्बैंड या फिर उसके जो रिलेटिव है कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पर लेकिन यहां पर ये जो हथियार दिया गया, यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं बंदूक के ऊपर लिखा हुआ यहां पर ही है, तो बंदूक की जो नोक पर अब यहां पर उल्टा काम हो रहा है, तो कोर्ट के द्वारा बोला गया कि यहां पर इसकी टेंडेंसी जो है इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है हस्बैंड और उसके परिवार या फिर उसके रिलेटिव वालों के खिलाफ लड़की के द्वारा, तो ये खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो गई है, यानी कि उल्टी पड़ गई है भाई साहब, जो जिस तरीके से जिसके लिए बनाया गया था वो जो एक तरीके से कार्रवाई है वो उल्टी पड़ गई है। क्या हुआ समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। पहले बात करते हैं यहां पर सेक्शन 498A आईपीसी के बारे में, इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता। सबसे पहले तो ये क्रिमिनल लो एक कैटेगरी में बन गया है, क्रिमिनल मतलब सीधे जेल जाओगे अगर कोई हरकतें करते हुए पाएंगे। तो सेक्शन 498A जो है इंडियन पीनल कोड, यानी कि 1860 भारतीय दंड संहिता का, ये हस्बैंड और उसके जो रिलेटिव है, यानी कि जैसे हस्बैंड हो गया उसकी माँ बहन या फिर परिवार वाले हो गए, तो यहां पर अगर वुमेन के खिलाफ कुछ गलत कर दे तो उनके लिए यहां पर ये लाया गया था उनको पनिश करने के लिए, तो उनको 3 साल तक का यहां पर बेसिकली सजा मिल सकती थी अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, और इसी के साथ में यहां पर फाइन भी लग सकता था, ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो इसलिए यहां पर रखा गया यहां पर इसका नाम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो एक तरीके से इसलिए यहां पर इसको लाया गया। पर लेकिन यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये मुद्दा थोड़ा सा अलग पड़ गया, यहां पर अलग कैसे पड़ गया वो थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर सेक्शन 498 का मिसयूज कैसे हो रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। मिसयूज अब ऐसे हो रहा है आज की डेट में, देखिए लड़की है ना वो पढ़ी लिखी हो गई है, एजुकेटेड हो गई है लड़कियां, तो उनको पता चला अच्छा ऐसा भी कुछ है, तो यहां पर सामने वाला अगर कुछ भी जरा सी बात बोले तो उसको ब्लैकमेल करने पर आ जाती है कि अगर कुछ भी किया तो भाई साहब जेल में पहुंचा देंगे कि मुझे जो है यहां पर प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, ठीक है। इसी के साथ में लड़कियां जो है फाइनेंशियली सिक्योर हो गई हैं, क्योंकि आज के में जॉब करने लगी हैं, अब जॉब करने लगी है तो यहां पर कंडीशन ये देखने को मिलेगी वो ज्यादा हस्बैंड या फिर उसके परिवार वालों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। अगर कोई कुछ जरा सा भी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से एंजॉय कर सकती हूं और मेरी खुद की जॉब है, अपना जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करो आराम से, यानी कि एक तरीके से यहां पर हस्बैंड या फिर उसके परिवार वालों की बात मानने से भी साफ साफ यहां पर मना कर देती है। मॉडर्न जमाना है, सीरियल, सास बहू, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये ऐसी चीजें आज के डेट में हो गई है, उसने बहुत सारे जो रिलेशन है आज के डेट में ब्रेक कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आप लोगों को समाज में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। और जो जो बातें मैं बोल रहा हूं अगर आप लोग इसे तकल्लुफ रखते हैं, तकल्लुफ ही है ना शब्द आप लोग बताइएगा, मतलब अगर आप लोग इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ ये सही है, तो आप लोग भी अपनी बातें यहां पर बता सकते हैं, ठीक है, यानी कि सही है या फिर आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा है या फिर नहीं देखा है। मोर इंडिपेंडेंट चीजें आज के में देखने को मिल रही है, और इसी के साथ में अगर कुछ गलत करता है तो आज के में आप लोगों ने देखा होगा औरतों के साथ में अगर कुछ कहीं पर गलत होता है तो तुरंत यहां पर जो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, और यहां पर खासकर उन्हें एक तरीके से जो लड़कियों के खिलाफ कुछ भी कर दे तो एक तरीके से बवाल समझने लगा है। हालांकि काफी लार्ज स्केल पर नहीं है, अभी भी बहुत सारी लड़कियों को यहां पर प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है, पर फिर भी ये जो सेक्शन है इसका मिसयूज होता हुआ एक कमिटी के द्वारा पूरी रिपोर्ट सबमिट की गई है कि काफी लार्ज स्केल पर जो दुनिया भर के केसेस आ रहे हैं उसमें यहां पर यूज किया जा रहा है, ये खासकर महिलाओं के द्वारा एक वेपन बन गया है यहां पर, ये महिलाओं के हाथ में, जिसको यहां पर काफी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके सामने जो हस्बैंड है और उसके परिवार वाले जो है वो हेल्पलेस हो गए, यानी कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यहां पर कुछ भी बोला तो यहां पर भाई साहब फालतू में हम लोग जो है जेल में पड़ेंगे, और गांव में आप लोगों को पता है गांव समाज में इज्जत कितनी बड़ी चीज होती है, कि बहू ने जेल में पुचवा दिया तो उसके बाद में आप लोग समझ सकते हैं
इनकी सिचुएशन क्या बन जाती है वहां पर। तो इससे आप लोग एक पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। तो पूरी कहानी जो है बेसिकली यहां पर ये कि इज्जत बेइज्जती पर आकर फिर बात टिक जाती है। एक बार कोई भी परिवार वाला जेल में गया तो ये लगा कि भाई साहब अब तो इज्जत लुट गई, अब तो फिर से गांव में रहने लायक ही नहीं बचे, ये वाली बात है। तो ब्लैकमेलिंग काफी लार्ज स्केल पर स्टार्ट हो चुके हैं, झूठे केस यहां पर लगाए जा रहे हैं। और झूठे केस लगाने के बाद में फिर जो वाइफ है यहां पर, जो वाइफ के जो रिलेटिव है, यानी कि जो वाइफ का भाई हो गया फिर उसके घर वाले हो गए, वो क्या करते हैं यहां पर, वो बेसिकली कोशिश करते हैं कि यहां पर एक तरीके से जो मैरिज है एक तरीके से, अब तो उससे बाहर निकलने का एक तरीका ढूंढ लिया गया कि यहां पर ऐसे नहीं छोड़ोगे तो वैसे छोड़ोगे, यानी एक तरीके से मैरिज में से शादी में से बाहर निकलना है तो एक तरीका ढूंढ लिया कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है। दूसरा यहां पर कई बार क्या होता है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं वो ये है कि पैसे की मांग की जाती है यहां पर, यानी कि केस लगा दिया और उसके बाद में फिर पैसे की मांग की जा रही है कि पैसा दो तो केस वापस लेंगे और फिर हमारी लड़की तुम्हारे साथ भी रहेगी घर पे वहां पर, और उसको कुछ किया तो फिर से हम तुम्हारे ऊपर केस ठोकेंगे और केस को आउटसाइड ही निपटाना है तो इतना पैसा दे दो, ऐसे भी केस देखने को मिल रहे हैं। यानी कि समझ रहे हैं आप लोग, शादी करने से भी लोग डरेंगे यहां पर, इतना ज्यादा शादी का जो एक सिस्टम है जिसको एक काफी एक अच्छा सिस्टम इंडियन सोसाइटी के अंदर माना जाता था उसको डिग्रेड करने का काम यहां पर कर दिया है इस पर्टिकुलर सेक्शन ने, जब से यहां पर इसका मिसयूज होता हुआ आज के दिन में नजर आ रहा है, ठीक है। और एक तरीके से ऐसे जो केसेस हैं वो तभी आते हैं जब मिसयूज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि काफी लार्ज स्केल पर आज के दिन में इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। तो एक तरीके से ये फाउंडेशन जो है शादी विवाह का, शादी विवाह करना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, वो सारी चीजें उसका फाउंडेशन हिला रहा है आज की डेट में। तो अगर फाउंडेशन हिला रहा है यहां पर ये, तो फिर इसका कोई मतलब तो रह नहीं जाता है। तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि ये क्या हो गया, सोचा था क्या, ये नहीं गाना गा रहे हैं कि क्या से क्या हो गया, ठीक है, कहां सोचा था और कहां चीजें पहुंच गई है। हमारी कंट्री में कई सारे जो लॉ हैं वो हेल्प करते हैं अगर कोई वायलेंस होते हैं अगेंस्ट वुमेन में, जैसे डोबरी अगर कोई दहेज लेता है, प्रोबेशन एक्ट 1961 है। इंसिडेंट जो यहां पर बात करें, यहां पर एक तरीके से ये बात की जा रही है यहां पर एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन, प्रोबेशन एक्ट 1986, ठीक है। इसी के साथ में हम अगर बात करें यहां पर तो ये कमीशन ऑफ द सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, इसके साथ में यहां पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। तो ये कई सारे ऐसे कानून हैं जो ऑलरेडी यहां पर काम कर रहे हैं, पर लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये एक नेक्स्ट लेवल पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहां पर एक अलग ही तरीके का हथियार यहां पर प्रोवाइड करा रहा है। तो इसके चलते यहां पर जो सोसाइटी है जिसमें काफी लार्ज स्केल पर एक गुड साइन माना जाता है शादी को लेकर, अब यहां पर एक तरीके से ये गुड साइन नहीं है क्योंकि हेल्दी सोसाइटी के अंदर ये चीजें देखने को मिलेगी तो एक तरीके से दिक्कत निकल कर आएगी। तो ये वैसा ही काम यहां पर कर रहा है आज के में, एक गलत टूल की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मलिमत कमेटी यहां पर बनाई गई 2003 में, तो ये मलिमत कमेटी का भी सेम व्यू था यहां पर, उसके द्वारा बोला गया कि रिफॉर्म की जरूरत है यहां पर इसके अंदर में, क्योंकि यहां पर जो कंप्लेंट आ रही है काफी लार्ज स्केल पर इसका मिसयूज किया जा रहा है, ये ऐसी बातें यहां पर देखने को मिली, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने नॉर्मली देखी है, हालांकि हो सकता है कि आप लोग जिस एरिया में रहते हैं वहां पर ये ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती हो, पर लेकिन फिर भी काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें हो रही है, तो इसी की वजह से यहां पर ये केस जो है वो सामने निकल कर आया। अब इसमें आप लोग ही क्या रहे हैं, ऐसा कोई केस है यस या फिर नो आप लोग बता सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आर्टिकल में तो बताइए, वरना थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं कि हाँ आप लोग को सही लगा आर्टिकल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बने, और बाकी ये इसलिए भी बता दें कि आगे चलकर आप लोगों को भी यहां पर जिंदगी जीनी है तो उसमें भी आप लोगों को भी यहां पर ये यूज करने के लिए बेसिकली जरूरी पड़ेगा। तो उससे पहले इसके अंदर कोई अमेंडमेंट हो जाए कि मिस यूज ना हो तो वो एक अलग चीज है, पर लेकिन पता तो होना चाहिए पढ़े लिखे इंसान को, वरना ये कहेंगे पढ़े लिखे का फायदे क्या है, ठीक है। तो पढ़े लिखे का कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, तो वो फायदा आप लोग भी उठा लीजिए, ठीक है। तो यानी कि चीजें अपने आसपास में याद रखिए, ठीक है। ये यहां पर हेल्थ और मेडिसिन के बारे में बात की जा रही है, और जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में। अभी रिसेंटली जब कोविड-19 के बारे में यहां पर बहुत सारी चीजें चल रही थी तो उस टाइम पर कई सारे केसेस सामने निकल कर आए थे जब यहां पर हम लोगों ने गिलोय के बारे में बात की थी। तो यहां पर जब गिलोय के बारे में बात की थी तो ये बोला गया था कि जो ये गिलोय है इसके साथ में यहां पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था जिसको बोला गया था यहां पर बेसिकली जिसको बोला गया था गुडची, ठीक है। तो यहां पर गुडची जो बोला गया था यहां पर ये यहां पर जिसको टेंसोपेरा कार्डिफोलिया, ठीक है। तो ये यहां पर साइंटिफिक नेम हो गया इसका, तो बोला गया था कि ये टॉक्सिक है, ठीक है। तो यहां पर जो बेसिकली ये इनके द्वारा फिर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए कि भाई साहब ये तो हमारी एक तरीके की औषधि थी यार, इसको टॉक्सिक बताना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, तो औषधि को जब टॉक्सिक बताना स्टार्ट कर दिया तो फिर इसके ऊपर स्टडी की गई कि देखते हैं यार कितना टॉक्सिक है यहां पर ये। तो उसी के चलते यहां पर जो चीजें हैं वो आगे बढ़ी, ठीक है। तो उसी के चलते अब यहां पर जो निकल कर आई है बात यहां पर वो निकल कर आई है कि आज की डेट में यहां पर ये टॉक्सिक नहीं है, ये जो भी बात है इसके बारे में बोली गई है वो गलत है यहां पर, ठीक है। तो यानी कि ये स्टडी की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है यहां पर, आप लोगों से कोई मिनिस्टर पूछे तो याद रखिएगा कौन है बताइए, चलिए बताइए फिर मैं बताता हूं आप लोगों। तो यहां पर इसके बारे में बात करें तो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है ये बोला गया यहां पर। तो जो भी गलत बातें थी यहां पर कि लीवर डैमेज कर देगा, तो लीवर डैमेज नहीं कर रहा है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है यहाँ पर, ये बेसिकली सर्बानंद सोनोवाल जो कि यूनियन मिनिस्टर है जिनके अंडर में मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी, नई नई ताजी ताजी मिनिस्ट्री बनाई गई यहाँ पर ये 2014 में, इससे पहले ये मिनिस्ट्री नहीं थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, वो सारी बातें आप लोगों को बताइए। बाकी अगर बात करें यहाँ पर तो बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आज के दिन में इसको यूज किया जाए तो इसके कई सारे यूजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये बात किसने बोली है, ये बात डायरेक्ट पीआईबी की साइड से निकल कर आई है, उसी ने बोला है कि मिसलीडिंग जो भी यहाँ पर जो बेसिकली गुच्ची के बारे में यहाँ पर कि लीवर डैमेज करेगा वो सारी बातें चल रही थी वो बिल्कुल गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बातें यहाँ पर इनके द्वारा बताई गई। कई बार कई छोटी छोटी चीजें आप लोगों से पूछ ली आती है, जैसे गांव में अगर आप लोग रहते हैं तो आप लोगों से सुना कि कौन से परिवार में से आते हो आप निकल कर, ठीक है, तो किन के से आते हैं, बोलते कि किन में से आते हैं, आपके कुनबे का क्या नाम है आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे इसकी बोटनिकल फैमिली या फिर इसके कुनबे इसके परिवार का नाम है, इसका नाम है यहाँ पर मेंसी परमेसी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये है बेसिकली मेंसी परमेसी, तो ये इसके परिवार का नाम है और ये नेटिव इंडियन यानी कि इंडिया में काफी लार्ज स्केल पर ये पाई जाती है। गिलोय की बेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर गांव में से आप लोग आते हैं कई बार ये नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा फीवर वगैरह में कई बार यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इवन प्लेटलेट्स जब गिर जाती है यहाँ पर जो फीवर के अंदर में उस टाइम पर भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है, ये शायद आप लोगों ने जरूर सुना होगा, हाँ या फिर ना, यस या फिर नो आप लोग बता सकते हैं अगर नहीं सुना है, और नहीं सुना है तो क्या मतलब है, अभी सुना दिया ना, अब तो नहीं सुना होगा अब तो सुन लिया ना। ये चाइना ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अंदर भी यहाँ पर पाया जाता है, इसको काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है फीवर के टाइम पर, इन्फेक्शन डायरिया या फिर डायबिटीज अगर हो जाती है तो उस टाइम पर भी इसका काफी अच्छा इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी जो इंपोर्टेंट है यहाँ पर, अगर कोई भी चीज इतनी ज्यादा न्यूज में है तो उसके पीछे उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीज होती है ना बॉडी के अंदर में, जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज मानी जाती है वो होता है आप लोगों का इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो एक तरीके से सिपाही होता है जो कि आप लोगों के शरीर के गेट के बाहर खड़ा रहता है कि कोई भी बीमारी अगर शरीर के अंदर आएगी तो पहले मेरी लाश के ऊपर से जाएगी तो ही शरीर को कंट्रोल करेगी, वरना मैं उसको मारकर ढेर कर दूंगा। इनके इम्यून सिस्टम जो होता है वो पहरेदार होता है शरीर के सामने, जितना शानदार इम्यून सिस्टम उतनी ही कम बीमारी आप लोगों को छूने का प्रयास करेंगी। ये बिल्कुल आप लोगों का बाहुबली है, उन्हें कहते हैं कि किसी ने देवसेना को हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया। तो ये बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है आप लोगों का वो बाहुबली है कि आप लोगों के शरीर को किसी को हाथ नहीं लगाने देगा किसी भी बीमारी को। और अगर यहाँ पर बेसिकली इसके ऊपर से ही चढ़ के चला गया तो फिर इसका मतलब है कि कहानी खराब होगी, अब आप लोगों को यहाँ पर मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अब आप लोगों को उपचार की जरूरत पड़ेगी। तो तब इंसान बीमार होता है जब यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है वो घुटने टेक देता है। तो इसके चलते यहाँ पर ये इम्यून बिस्टर का काम करते हैं यहाँ पर गुड़ची काफी लार्ज स्केल पर, और इम्यून बिस्टर का काम करेगा तो इसका मतलब कोविड-19 के चलते जो इंसान बीमार हो रहे थे उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी तो उनकी लाइफ में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता हुआ पाया जाएगा यहाँ पर। ये सारे यहाँ पर इसके यूजेस हैं, आप लोगों को रटने नहीं है, हालांकि यहाँ पर ये सारी कई सारी जो डॉक्टर की टर्म देखने को मिलेगी, जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक हो गया, एंटी हाइपर पेंडेमिक, ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। तो कई सारे नाम है यहाँ पर, बेसिकली बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे, एलर्जी है उसको कम करेंगे, ठीक है, एक तरीके से एंटी कैंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एंटी माइक्रोबियल देखने को मिलेगा, बॉडी पे सूजन को कम करेंगे, तो ये सारी बातें बेसिकली यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब यहाँ पर ये कि बहुत सारी चीजों में ये फायदा पहुंचाता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ में आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से अगर बोलूं साधारण आसान शब्दों में कि इंसान की लाइफ को इंप्रूव करने का काम करता है यहाँ पर ये, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सॉरी अगर बात करें यहाँ पर तो काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, बेसिकली इसका एप्लीकेशन ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर भी काफी यूज किया था और कोविड-19 के टाइम पर अभी इसका यूज जो है वो काफी ज्यादा होता हुआ यहाँ पर पाया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इसके बारे में बताइएगा जरूर, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आगे चलते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली बन सकता है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि जो भी यहाँ पर नशीले पदार्थ या फिर कोई गलत तरीके की दवाइयां वगैरह बेची जाती हैं उनको बेसिकली गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है NCB, ठीक है। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है ये काफी एक इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो NCB बोलते हैं बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में इसको, तो इसके बारे में क्या क्या बातें हैं पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी वो बातें बता देता हूँ, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किया गया था द इकोनॉमिक टाइम के द्वारा। तो यहां पर अभी ये बात की गई कि 22 डार्क नेट ड्रग नेटवर्क यहां पर ब्रस्ट किए गए पैन इंडिया रेड के अंदर में। अब ये डार्क नेट क्या होता है, इसके अंदर यहां पर ड्रग्स के जो नेटवर्क है उनको कैसे यहां पर ब्रस्ट किया गया और आखिर क्या बीते हैं क्या बातें हैं, सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें नेशनल क्राइम जो यहां पर नारकोटिक जो कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, तो ये 1986 में बनाई गई थी और यहाँ पर इसके अंदर लगभग 1000 के करीब इंप्लॉय देखने को मिलेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये आती है।
यानी कि हमारी कंट्री में जो गृह मंत्रालय है उसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके लिए कानून है यहाँ पर जिसको नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आप लोग बोलते हैं, उसके तहत यहाँ पर ये काम करता है। तो ये वो बेसिक चीजें जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से बने या ना बने, जो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछ लिया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट फोर में आप लोगों के लिए डीपीएसपी है जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सुना होगा ना नाम, किस किसने पढ़ा है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक याद आ रहा है, चलिए लिख कर देखिए एक बार। ये काफी इंपोर्टेंट एक ऐसा एरिया हो जाता है जिससे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली बनते हैं। देखिए जब भी आप लोग पॉलिटी के सेक्शन के बारे में बात करें ना, तो पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट हो गया, पार्ट फोर डीपीएसपी हो गया, पार्ट जो आप लोग बाहर जाएंगे पार्ट फोर के ए में जो यहां पर आप लोगों के लिए अगर देखने को मिलेगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो डीपीएसपी के अंदर जब आप लोग आर्टिकल 36 से लेकर यहां पर 51 तक आप लोग जाएंगे तो एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 जो है यहां पर स्टेट इनके जो गवर्नमेंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि यहां पर लोगों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखें, अगर कोई नशीले पदार्थ इस तरीके से पब्लिक में घूम रहे हैं तो उनको रोका जाए और एक प्रॉपर हेल्दी सिस्टम को बनाकर रखे। तो आर्टिकल ये याद रखिएगा 47 आर्टिकल यहां पर ये बातें करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, एनसीबी के द्वारा अभी यहां पर डार्क थोन यहां पर ये ऑर्गेनाइज कराएगी। ये क्या होता है, एक तरह का कंपटीशन है, इसमें अलग अलग लोग जो है महारथी अपने अपने एरिया के वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो भी इंटरनेट के फील्ड में साइबर क्राइम के फील्ड में काम करते हैं तो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। उनके द्वारा पार्टिसिपेट करने के बाद में यहां पर इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है यहां पर कि यहां पर बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाती है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से ओपन कंपटीशन है, जैसे मैं कोई ओपन कंपटीशन रख लूं और मैं बोलूं कि आज जो है आप लोगों को ये बताना है कि एसएलवी का लोगो हम लोग को चेंज करना है तो एसएलवी का लोगो क्या होना चाहिए, ठीक है, और जो भी लोगो बनाएगा जिसका लोगो चुना जाएगा उसको प्राइज मिलेगा। तो इस तरीके से यहां पर इनके द्वारा यहां पर ये पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया और बोला गया यहां पर बेसिकली जो डार्क वेब है, डार्क वेब का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क जहां पर इंसान जो है यहां पर ऐसी कुक्रम या फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं जिसको इंटरनेट पर आप लोग आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली जो सरफेस पर आप लोगों को देखते हैं ना वर्ल्ड वाइड व्यू, जो भी आप लोग यहां पर देखते हैं आज के में वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली जिसमें जो भी चीजें सर्च करते हैं आप लोगों को सारी चीजें ऊपर आ जाती हैं। आप लोगों ने द हिंदू बाय वीर सर्च कर लिया, ठीक है, या फिर पॉलिटी बाय वीर सर्च कर लिया, ये सारी चीजें आप लोगों को ऊपर जो देखने को मिल रही है, ये सारी जो चीजें हैं वो ओनली 4% है यहां पर। 90% जो रहता है ये डीप वेब जो कि इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी डेटा आप लोग व्हाट्सएप पर या फिर कहीं भी आप लोग सोशल मीडिया पर आज के में सेंड करते हैं तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि कोई भी बीच में उसको इंटरफेयर कर चेक नहीं कर सकता। तो यहां पर इनक्रिप्टेड रहता है, अगर कोई प्रॉपर पासवर्ड मिलेगा तो ही यहां पर उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है। और इसके भी नीचे जब आप लोग जाएंगे तो ये था डार्क वेब। डार्क वेब की जो इंफॉर्मेशन है यहां पर वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप लोग उसको बेसिकली एक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, वरना कोई इंसान जो है वो इसको एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम जो वेबसाइट चलती हैं जहां पर जिस तरीके से नशीली दवाई या फिर कोई ऐसा पदार्थ अगर बेचा जा रहा है या फिर कोई भी सोसाइटी में ऐसी हरकतें की जा रही है तो ये सारी हरकतें यहां पर डार्क वेब नेटवर्क पर आती है। तो एक तरीके से यहां पर ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां पर इलीगल धंधे काफी ज्यादा आप लोगों को यहां पर पनपते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन ये बातें बोलना कि इलीगल धंधे ही है तो ये भी बिल्कुल गलत है यहां पर, क्योंकि यहां पर कई सारी अच्छी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जैसे कि अभी पूरा अगर आप लोग समझोगे तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, इसको आप लोग समझ सकते हैं। सरफेस पर जो रहता है जैसे गूगल हो गया, विकिपीडिया हो गया, बिंग हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर सरफेस पर देखने को मिलेगी और ये 4% रहता है। अब जो डीप वेब रहता है, कई सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर बात करें फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गए, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हो गए, ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट के द्वारा रखी जाती है यहां पर, ये लगभग 90% जो डेटा है ये पब्लिकली आप लोग यहां पर इनको ऐसे नहीं कि आराम से आप लोग इसको एक्सेस कर लोगे, आप लोगों के पास में प्रॉपर अगर सॉफ्टवेयर होगा, आप लोगों के पास में मतलब सॉफ्टवेयर नहीं प्रॉपर आप लोगों के पास में आप लोग बोल सकते हैं प्रॉपर कोई एक पासवर्ड वगैरह होगा जो कि आप लोग एक्सेस कर सकते हैं तो ही आप लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये डीप वेब में आप लोगों ये सारी चीजें बेसिकली देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक्सेसिबल एक तरीके से नॉट एक्सेसिबल टू द सरफेस वेब जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसमें आप लोगों को नॉर्मली अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि एक ऑथराइज्ड पर्सनालिटी को यहां पर ये मिलेगा, किसी डिपार्टमेंट में आकर जब आप लोग जॉब करोगे तो आप लोगों के लिए भी एक प्रॉपर एक तरीके से नहीं ऐसा कोई सिस्टम तैयार कर जाता है जहां पर डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी लीगलाइज चीजें हैं, इलीगल चीजें नहीं है। पर लेकिन जो डार्क, डार्क मतलब काला, यानी कि इसका मतलब है अब चीजें इलीगल हो गई हैं, जहां पर ऐसी चीजें आ जाए कि यहां पर अब डार्क हो गया यानी कि कुछ ना कुछ गलत हो गया। तो यहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, प्राइवेट कम्युनिकेशन, इसी के साथ में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, इलीगल इन्फॉर्मेशन, ये सारी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और ये सारी जो चीजें आप लोगों को यहां पर इसके ऊपर देखने को मिलती है, मान लीजिए आज के दिन में गवर्नमेंट जो है कोई यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाह रहा है
तो प्रोटेस्ट को डार्क वेब पर ऑर्गेनाइज करा लिया जाए पहले ही पहले, ताकि कल को चलकर अगर गवर्नमेंट उसको सप्रेस करने की कोशिश करे तो यहां पर उससे पहले ही वो अपना पूरा काम जो है वो तैयार करके रख सके और कल को कुछ भी दिक्कत हो तो आसानी से उसका सोल्यूशन यहां पर निकाल सके, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां हो गया जैसे आप लोगों ने अभी देखा यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया। अभी यहां पर हम लोगों ने सुना था पेगासस वायरस के बारे में, तो पेगासस वायरस का इस्तेमाल किया गया यहां पर बेसिकली लोगों के डेटा को चोरी करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या क्या लोग जो है वो आज के डेट में सर्च कर रहे हैं, तो उन सब चीजों को जानने के लिए यहां पर पेगासस वायरस का इस्तेमाल किया गया। तो उन्हीं सब चीजों को यहां पर अब यहां पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि कल को चलकर कोई अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करना चाह रहा है तो उसको इस तरीके से किया जाए ताकि गवर्नमेंट जो है वो यहां पर उसमें इंटरफेयर ही न कर सके। तो उसके चलते यहां पर पूरा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो क्रिएट किया जाता है, और ये पूरा जो सिस्टम क्रिएट किया जाता है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रहता है इसके लिए, जिसको बोलते हैं टोर। टोर मतलब द ओनियन राउटर, ठीक है, या फिर I2P के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्टैंड क्या क्या करते हैं यहां पर, इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। तो ये अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो सरफेस पर कौन सा रहता है, डीप वेब में कौन सा रहता है और डार्क में कौन सा रहता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अभी समझा दी, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब यहां पर बात की जा रही है कई सारे जो ड्रग का व्यापार करते हैं, काले धंधे जिनके चलते यहां पर, वो आप लोगों को डार्क वेब में नजर आएंगे। तो बोला जा रहा है कि रिसेंटली अभी यहां पर ये जब पेंडेमिक चला तो ये जो धंधा है यहां पर 250 गुना बढ़ गया इंडिया के अंदर में। यहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग वाला धंधा आप लोगों ने देखा होगा, गलत तरीके से इलीगल तरीके से नकली दवाइयां भी मार्केट में कई सारी देखने को मिलती, इवन इंटरपोल के द्वारा भी यहां पर ये बातें बोली गई थी कि भाई साहब कुछ गलत चल रहा है, ठीक है, जिसको रोकने के लिए उसके द्वारा प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। कितने आप लोगों में से ऐसे जिसको उसका ऑपरेशन का नाम याद आ रहा है, क्योंकि मैंने उस टाइम पर आप लोगों काफी डिटेल में यहां पर पढ़ाया था जब यहां पर इंटरपोल के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके द्वारा जो उसका नाम रखा गया था वो रखा गया था ऑपरेशन पेंजिया, PANGEA, ठीक है। तो ये यहां पर ऑपरेशन जो पेंजिया था इसके तहत यहां पर इनके द्वारा बताया गया कि फेक दवाइयां ऑनलाइन बेची जा रही है, दुनिया भर की ऐसी वेबसाइट आज के डेट में चल रही है, तो ये सारी हरकतें वहां पर की जाती है। जो थर्ड लेयर आप लोगों को यहां पर देखने को मिली ये डीप वेब बोलते हैं, यानी कि पहली लेयर आप लोगों की होगी सरफेस वेब, दूसरी होगी यहां पर डीप वेब, तो थर्ड लेयर होती है सॉरी डार्क वेब, ठीक है। तो थर्ड लेयर आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर बेसिकली, एक गलत लिखते हैं यहां पर, थर्ड लेयर डार्क नेट नोन एज द डीप वेब, ठीक है। तो यानी कि यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये डार्क वेब बोला जाएगा बेसिकली, ठीक है, डीप वेब सेकंड लेयर होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इसको सही कर लेना, तो यहां पर ये आप लोग समझ सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर ये कि इसको चीजों को कैसे लेकर चलें, अभी फिलहाल यहां पर इसी के चलते बहुत सारी फेक ऐसी ऑनलाइन चीजें बेची जा रही हैं जिसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अभी इंफॉर्मेशन अगर इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो कंसर्न क्या है, कंसर्न यहां पर यह कि TOR मतलब जिसको बोला गया था द ओनियन राउटर, ठीक है। तो द ओनियन राउटर जो है यहां पर, इसके ऊपर यहां पर अभी बात करें तो काफी ज्यादा यहां पर जब चीजों को देखा गया तो यहां पर यहां पर बात की जा रही है क्रिप्टो पॉलिटिकल, ठीक है, क्रिप्टो पॉलिटिकल, ठीक है। तो यहां पर क्रिप्टो जो पॉलिटिक जो बेसिकली डार्क नेट यहां पर जो रिसोर्सेज उसको एनालाइज किया गया तो देखा गया लगभग 3500 के करीब, यानी कि 2723 वेबसाइट यहां पर जो थी वो क्लासिफाइड की गई, जिसमें से 57% के करीब यहां पर ये थी इलीगल तरीके से मटेरियल जो बेसिकली बेच रही है, ठीक है, कई तरीके की यहां पर दवाइयां बेच रही है, इलीगल तरीके से पोर्नोग्राफी, कई सारे देश जो है पोर्नोग्राफी को बैन करते हैं तो फिर इलीगल तरीके से यहां पर चीजें देखने को मिलती है, हैकिंग से रिलेटेड भी यहां पर डेटा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें यहां पर निकल कर आती है, नॉर्मली अगर इनको सर्च करोगे ना आप लोग, नॉर्मली आप लोगों के सामने नहीं निकल के आएगा डेटा, पर लेकिन अंदर ही अंदर यहां पर एक ऐसा नेटवर्क फैल जाता है जो कि नॉर्मल इंसान की निगाहों से काफी दूर और पूरी दुनियादारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन हरकतें यहां तक है बेसिकली जो नेटफ्लिक्स का आज की डेट में जो प्लान उनके द्वारा बेचा जाता है तो उस प्लान को चोरी कर यहां पर एक तरीके से फ्री में एक्सेस प्रोवाइड कराने की या फिर सस्ते में एक्सेस प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है ताकि पैसे की इधर उधर हेरा फेरी की जा सके। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी जिनके चलते गवर्नमेंट भी कई बार यहां पर सदमे में पड़ जाती है। पहली बार जो इसका इस्तेमाल किया गया था यहां पर बेसिकली माना जाता है कि अरब स्प्रिंग जो यहां पर आप लोगों को देखने को, ट्यूनिशिया के अंदर में यहां पर जो गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ जब यहां पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा था, उनकी हरकतें देखकर लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उस टाइम पर लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ यहां पर अपने जो है एक तरीके से हथियार उठाने स्टार्ट कर दिए थे। तो उस टाइम पर भी इस एक तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज कराने के लिए जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। आज की डेट में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले हमारी कंट्री के अंदर
तो याद रखिएगा यहां पर ये डार्क जो नेट है, यहां पर बेसिकली अगर बात करें इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2000 उसके तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो यहां पर काम करती है कि यहां पर इसको बेसिकली कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वो यहां पर इसको कंट्रोल करने का काम करती है, तो इसके तहत यहां पर हम लोग इन चीजों को टैकल करते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने है। अगर आज की डेट में बात करें यहां पर हमारी कंट्री के अंदर में कई सारे सेक्शन लॉ भी हैं जो कि डील करते हैं यहां पर इन सब चीजों के साथ में, ठीक है। हमारी कंट्री में अगर बात करें आप लोग बात करेंगे इससे अभी मैंने कानून बता दिया, ठीक है। इसी के साथ में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो साइबर क्राइम के साथ में काम करते हैं, पर लेकिन कई सारी चीजों को इंप्रूव करने की भी बात की जाती है। तो यहां पर बात की जा रही है ओनली 6 सेक्शन है लॉज के अंदर में जो डील करते हैं इन सब चीजों के साथ में। तो अभी यहां पर डील करने की जब बात करें तो बोला जा रहा है कि यहां पर अभी होम मिनिस्ट्री को भी इसके अंदर लाना चाहिए क्योंकि कई सारी पॉलिसीज यहां पर इसके थ्रू होकर निकलती हैं। और जो पुलिस है हमारी कंट्री में एज ए ऑर्गेनाइजेशन वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है, ठीक है। जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स है वैसे तो पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जी कई बार बोलते रहते हैं कि हमको पूरा स्टेट बना दो हमारे हिस्से में पुलिस आ जाएगी, तो वाली बातें आप लोगों को बताइए। तो वो सब चीजें यहां पर, तो आज की डेट में जो यहां पर प्रॉपर एक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, एक नॉर्मल इंसान अगर पुलिस में जा रहा है तो यहां पर आज के डेट में ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं कि उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा अगर प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग नहीं की जाएगी। तो एक प्रॉपर एक डिफरेंट ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है क्योंकि क्राइम जो है वो आज के डेट में ऑनलाइन होते जा रहे हैं। तो एक टेक्निकल बंदा काफी एक शानदार तरीके से चीजों को हैंडल यहां पर कर पाता है, इसीलिए यहां पर आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बीटेक वाले बंदे हैं वो ज्यादा एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनका जो बैकग्राउंड कंप्यूटर है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से निकल कर आ रहे हैं तो चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से यहां पर डील कर पाते हैं क्योंकि उनको ये चीजें ऑलरेडी पता होती है। पर लेकिन हमारी कंट्री में सबसे बुरी कंडीशन क्या है, पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। संविधान के अंदर जब सातवें शेड्यूल में आप लोग जाओगे तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि पुलिस को किस लिस्ट में रखा गया है, तो पुलिस को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। तीन लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में सेंटर कानून बनाता है अपना जिसके तहत जो भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, स्टेट लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर सब्जेक्ट दोनों मिलकर यहां पर काम करते हैं। तो स्टेट लिस्ट में पुलिस को रखा गया है यहां पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ये। तो पुलिस जो है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और स्टेट जो है वो ढंग से ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। अब वैसे तो नहीं मसूरी की जगह वहां पर हमने भी सबने मसूरी जैसे सेंटर बना रखे हैं, तो जैसे तैसे ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के चलते यहां पर सारी चीजें प्रॉपर वे में नहीं चल पाती है, तो ऐसे इश्यूज यहां पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बातें। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर ये बेसिकली बात कर रहा है हैकाथॉन के बारे में यहां पर। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन के बारे में बात करें तो पेपर 2 के तहत या फिर आप लोगों से इकोनॉमी के सेक्शन में पेपर 3 के अंदर क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। अभी मुद्दा क्या है यहां पर, मुद्दा है नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म यूपीएससी ने पूछ ली भाई साहब, इससे फालतू क्या होगा, तो छोटी छोटी चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। नीति आयोग फुल फॉर्म बताइए, चलिए अभी आर्टिकल तो मैं डिस्कस करूंगा और पूरा आर्टिकल कवर किया गया यहां पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के अंदर में। यहां पर मुद्दा क्या है समझ लेते हैं। अभी फोन पे डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है यहां पर, इसके द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है बेसिकली फिनटेक ओपन हैकाथॉन के अंदर में, जिसके चलते पाथ ब्रेकिंग जो फिनटेक सिस्टम के तहत यहां पर चीजों को ऑर्गेनाइज कराने का कष्ट दिए कि कल को कोई दिक्कत आती है तो सोल्यूशन क्या निकल के आना है। ये हैकाथॉन फिर मैं ऐसे ही बोलूंगा जैसे मैंने लोगों के बारे में आप लोगों से बातें की, कल को चलकर हम लोग बोलने लगे यार सोसाइटी में एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, चलिए मैं एक ऑर्गेनाइज कराता हूं सेमिनार, उसमें सबको अपना अपनी राय देनी है और उस राय में जो सबसे शानदार राय देगा उनको हम लोग देखेंगे और फिर उनको प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो एक टर्म यहां पर यूज किया गया हैकाथॉन, तो इसका मतलब एक तरीके से कॉम्पिटिशन बोल सकते हैं लोगों के विचार मांगने के लिए। तो ये हो गया यहां पर बेसिकली हैकाथॉन। अभी यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है वो है आप लोगों के सामने जिसको बोला गया यहां पर फिनटेक। फिनटेक यहां पर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक साइड में यहां पर फिन का मतलब है फाइनेंशियल और टेक का मतलब है टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर नॉर्मल तरीके से आप लोगों से कोई पूछे कि ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, तो फाइनेंशियल सेक्टर आप लोग किसी भी ऐसे सेक्टर को बोल सकते हैं जहां पर नॉर्मली आप लोग कनेक्टेड रहते हैं और यहां पर एक तरीके से एक जो पैसे का लेन देन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया कहीं पर, एक्सचेंज हो रहा है कहीं पर चीजों का, ठीक है, जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, रिटेल सिस्टम हो गया, पेमेंट प्रोसेसर हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी आप लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम नॉर्मली देखने को मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट आप लोग यहां पर कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है कि एक तरीके का बैंकिंग सिस्टम जिसके थ्रू आप लोग पैसे का लेन देन कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि आप लोग पैसे का लेन देन बेसिकली कैसे करते थे, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में क्या था, आप लोगों के पास में गेहूं है, सामने वाले के पास में बेसिकली सब्जी है,
तो आप लोग उसको सब्जी दे दो, वो आप लोगों से सब्जी ले, मतलब आप लोग उससे सब्जी ले लो, आप लोगों को गेहूं दे, आप लोग उसको गेहूं दे दो, तो दोनों का काम चल गया। ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी, ठीक है। आलू टमाटर बनाना एक के पास में आप लोग दूसरे के पास में टमाटर आलू टमाटर बना लिए, ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती थी। पर लेकिन अभी फिलहाल जो है चीजें यहां पर चेंज हो गई है, फिर करेंसी आप लोग के हाथ में आने लगी। तो आप लोग आज के दिन में जो पैसे हाथ में लेकर घूमते हो, ये एक लीगल टेंडर करेंसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। पर लेकिन कल को चलकर यहां पर चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं, तो आप लोगों ने प्लास्टिक करेंसी यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसको आप लोग एटीएम बोलते हो। उसके बाद में इंटरनेट बैंकिंग आप लोगों ने करना इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, ऑनलाइन चीजें आप लोग यूज कर रहे हैं। और अभी यहां पर बिटकॉइंस आ चुके हैं, जिसको डिजिटल करेंसी आप लोग बोलते हो। तो यहां पर इस तरीके से सारा सिस्टम जो चल रहा है आज के दिन में, जो डिजिटल करेंसी पर हम लोग पहुंच गए, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पहुंचे। तो फाइनेंशियल यानी कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसके साथ में टेक्नोलॉजी जुड़ गई यहां पर, यानी कि एक तरीके से यहां पर एक तरीके साइंस और टेक और फाइनेंशियल को जब मिलाकर आप लोग बोलेंगे तो ये पूरा शब्द बन गया, जिसको बोलते हैं फिनटेक, ठीक है। तो अब फिनटेक आप लोगों के समझ में आ गया, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, पेमेंट सिस्टम, एक्सचेंज, रिसर्च या डिजिटल मनी, ऑनलाइन बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, क्राउड फंडिंग, तो जो भी है यहां पर जो ऑनलाइन चीजों को इंक्लूड कर काम किया जा रहा है, तो ये सिस्टम पूरा आप लोगों के सामने हो गया। यानी कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये है क्या यार, ये कैसा शब्द आ गया फिनटेक और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये कैसे कैसे टर्म है, हमने तो इनके बारे में सुना नहीं। तो बिल्कुल क्लियर शब्दों में, आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी जो मुद्दा है यहां पर, नीति आयोग मिलकर काम कर रहे हैं। नीति आयोग क्या है यहां पर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये याद रखिएगा, अपनी कंट्री में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहां पर, और ऑलरेडी बन भी चुका है, ठीक है। तो यहां पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बेसिकली नीति आयोग की फुल फॉर्म होगी। 2015 में 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोला गया धप्पा करके, और प्लानिंग कमीशन गया, ठीक है। तो यहां पर एक इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और चेयर पर्सन जो रहते हैं वो है यहां पर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब, यानी कि आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अब यहां पर जो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों से पूछी जा सकती है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था। प्लानिंग कमीशन किस ईयर में बनाई गई थी ये जरा आप लोग बताइए, और कैसी बॉडी थी प्लानिंग कमीशन, एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी या फिर स्टैट्यूटरी या फिर एग्जीक्यूटिव, कैसी बॉडी थी, और ये आज के में कैसी बॉडी है जो नीति आयोग। याद रखिएगा, नीति आयोग जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कोई कानून बनाकर पास कर नहीं बनाई गई है यहां पर, ठीक है। तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की कैटेगरी में यहां पर आती है, ये याद रखिएगा। आज की डेट में बात करें तो 5 लाख के करीब आप लोग यहां पर कैश प्राइस में रखा गया, अगर आप लोग एक प्रॉपर आइडिया देते हो, ठीक है। तो बोला गया कि 1 और अप टू 5 पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। विनर जो आएंगे वो यहां पर 28 फरवरी को अनाउंस किए जाएंगे। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो है वो 23 यहां पर फरवरी है, यानी कि आप लोग भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो यहां पर बेसिकली डेडलाइन रखी गई सबमिट फाइनल एंट्री वो 25 फरवरी है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं यहां पर, जिसमें आप लोग अगर लगता है आप लोग यार इस एरिया में काफी अच्छे, तो आप लोग भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप लोग भी इस चीज को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। तो बेसिकली आखिर ऐसा काम क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में मैं कई सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करके चलूंगा। सबसे पहले तो जो पार्टिसिपेंट रहते हैं यहां पर, एक तो ओपन डेटा एपीआई लाइक जैसे फोन पे हो गया, फोन पे प्लस, तो ये एक एपीआई है। एपीआई क्या होता है यहां पर, ये काफी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसके बारे में आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग कभी भी जिंदगी में एपीआई को नहीं भूलोगे। पहले तो एपीआई में कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर बात कर रहा हूं एपीआई के बारे में। ये यहां पर दो टर्म आप लोगों को मैंने पढ़ा रखी है, पहले एक तो बोला मैंने बेसिकली, यहां पर जो बात करूंगा वो बात करूंगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के बारे में, ठीक है। तो इस एपीआई के बारे में बात करूंगा। एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो क्या होता है, वो दवाई बनाने में यूज होता है। तो दवाई वाला एपीआई यूज नहीं कर रहे, जो कंप्यूटर में बेसिकली कनेक्टिविटी बनाने का एपीआई हम लोग यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, अगर आसान शब्दों में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूं यहां पर, तो इसको काफी अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को पैसे चाहिए पिकनिक पर जाना है, ठीक है। आप लोग यहां पर हैं ए, आप लोगों को पैसे चाहिए पिकनिक पर जाना है, और पैसे कहां से निकल कर आएंगे, पैसे निकल कर आएंगे बी, यानी कि पापा से निकल कर आएंगे। तो पैसे पापा से निकल कर आएंगे और आप लोगों को पैसे चाहिए, पर लेकिन आप लोग डायरेक्ट पापा से पैसे नहीं मांग सकते, आप लोगों को डर लगता है। तो अब यहां पर काम कौन करेगा इंटरमीडिएटरी का, वो करेगी मम्मी, यानी कि बीच में आ गई एम, यानी कि मम्मी आ गई। अब आप लोग मम्मी को बोलोगे तो मम्मी आपके पास में आएगी, तो आप लोग मम्मी को बोलोगे कि मम्मी पैसे चाहिए पिकनिक पर जाना है, ठीक है। तो मम्मी क्या करेगी, मम्मी जुगाड़ पानी करेगी, तो पापा के पास में जाएगी फिर, यानी कि मम्मी के पापा नहीं आपके पापा है, ठीक है। तो यहां पर यानी कि अपने हस्बैंड के पास में जाएंगे, और फिर यहां पर जो पैसे बोलेंगे कि बच्चा है उसको घूमने जाना है पैसे दे दो, ठीक है। तो जैसे तैसे उसको मनाया जाएगा, जैसे तैसे यहां पर फादर जी को मनाया जाएगा, और फिर फादर साहब से पैसे ले जाएंगे, और फिर पैसे जो है मम्मी जो है वो आप लोगों के पास में लेकर आएगी। तो ये सेम काम यहां पर एपीआई करता है। एपीआई क्या करते हैं यहां पर, पहले रिक्वेस्ट सेंड करता है एक सिस्टम को, और फिर उस रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद में जो रेस्पॉन्स मिलता है वो सिस्टम तक यहां पर लेकर आता है। आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आज की डेट में आप लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में जाकर जैसे आप लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो वहां पर आप लोगों ने टेबल पर बैठे और आप लोगों ने खाना मंगा लिया, आप लोग टेबल पर बैठे, आप लोगों ने वहां पर मेन्यू देखा,
तो उसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि ये इसमें आइटम्स है। आप लोगों ने तुरंत वेटर को बुलाया और वेटर को बोला कि खाना लेकर आओ। अब यहां पर खाना जो है वो किचन में बन रहा है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया, वेटर को बोला, रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब खाना लेकर ला दो। वेटर गया खाना लेने और खाना लेकर आ गया। तो जो वेटर हो गए यहां पर, वो वेटर क्या कर रहा है, वो एपीआई का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है बेसिकली एपीआई, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, और ये कंप्यूटरिंग जो यहां पर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इसको यूज किया जाता है, जो कि यहां पर सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट एक टर्म आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, एक टर्म है यहां पर अकाउंट एग्रीगेटर। तो अकाउंट जो यहां पर एग्रीगेटर है, यहां पर ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया आरबीआई के द्वारा। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि अकाउंट एग्रीगेटर जो है किसके द्वारा तैयार किया गया, तो ये आरबीआई के द्वारा यहां पर बेसिकली तैयार किया गया। और अकाउंट एग्रीगेटर जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, यहां पर ये बेसिकली ये जो एक मोर एक्सेसिबल जो डेटा को प्रोवाइड कराने का काम करेगा, एक इंटरमीडिएटरी का काम करेगा। जैसे अभी एपीआई काम कर रहा था ना, तो यहां पर ऐसे यहां पर ये एक अकाउंट एग्रीगेटर जो रहता है यहां पर, ये इंटरमीडिएटरी का काम करता है, ताकि जो डेटा है यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहां पर एक्सेसिबल हो सके। ठीक है, जो कंज्यूमर है उनको डेटा मिल सके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको यहां पर मिल सके। तो यहां पर ये रिक्वेस्ट करता है और फिर यहां से डेटा जो है ये यहां पर पहुंचता है। तो इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, यानी कि जहां से इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी वो बैंक हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, इंश्योरेंस कोई कंपनी हो सकती है। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर यहां पर क्या करेगा, ये यहां पर बेसिकली यहां से इंफॉर्मेशन निकालेगा और वो इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचेगी, फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन यूजर, यानी कि वो यहां पर आप लोगों तक फिर पहुंचती नजर आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर ये काम पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर यहां पर ये काम करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर जो डेटा रहेगा वो इनक्रिप्टेड रहेगा, यानी कि कोई भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इस तरीके से सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। आज की डेट में कई सारी चीजें हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट आप लोग देखते हैं, पेटीएम हो गया, कोई फोन पे यूज करा है, कोई भीम यूज करा है, तो डिजिटल के स्वरूप जो चीजें यहां पर चल रही है, तो ये सिस्टम आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू ये पूरा काम चल रहा है। तो यानी कि अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो काम कर रहा है, एपीआई काम चल रही है, ये यहां पर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ऑल्टरनेट रिस्क मॉडल बोला जा रहा है, जो कि लैंड करने के लिए, ताकि रिस्क को जो बीच में से हटा दिया जाए और लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जाए। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी काफी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसके ऊपर यहां पर हमारी कंट्री में स्कीम भी चली थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि फाइनेंस में इंक्लूड करना, यानी कि आप लोगों को बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड करना, ताकि आप लोगों का खुद का अकाउंट हो, तो आप लोग एक तरीके से बैंक में आए जाएं और अपने पैसे बैंक में रखें, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ गया, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके चलते क्या हो गया, यहां पर एक तरीके से जो बेसिकली इंप्रूव करेंगे यहां पर विजुअलाइजेशन, और इसी के साथ में ड्राइव करेंगे इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ताकि कल को चलकर उसके अंदर कोई धोखाधड़ी न हो सके। और यहां पर एक फाइनल ऐप जो होगा वो निकल कर आएगा, जिसके चलते सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट यहां पर किया जा सके। तो कहने का मतलब यहां पर है कि चीजों को इस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है कि कल को कोई भी यहां पर धड़ल्ले से इसके अंदर इंटरफेयर जो करके बैठ जाता है कई बार, वो इंटरफेरेंस यहां पर न देखने को मिले और सही तरीके से चीजें जो है वो चलती हुई यहां पर नजर आए। तो इसमें फोन पे, ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म और आरबीआई जो है ये पार्टिसिपेंट है यहां पर, जो मिलकर काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी कई सारी चीजें ऐसी आप लोग देखते हैं जिसमें ओपन डेटा प्लेटफॉर्म, जैसे कि सेतु ए यहां पर सैंडबॉक्स हो गया, सेतु पेमेंट सैंडबॉक्स यहां पर जो कि डेवलप किए गए हैं। ठीक है, तो आज की डेट में यहां पर ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में याद रखते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, ऐसा बैंक जो कि यहां पर कंट्री की जो बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन अपने पास में रखता है, और सारे बैंकों का पापा बैंक आप लोग इसको बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में आरबीआई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फेड रिजर्व बोलते हैं बेसिकली सेंट्रल बैंक को। ठीक है, जैसे हमारा आरबीआई है, तो शक्तिकांत दास साहब जो है आज के डेट में यहां पर आप लोगों को गवर्नर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 1935 में बनाया गया था, उस टाइम पर इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। फिर 1937 में जो कोलकाता से हेडक्वार्टर ट्रांसफर करके कहां पर पहुंचा दिया गया, वो पहुंचा दिया गया था मुंबई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई है, अगर कहीं पर यूज करनी हो और काम आ जाए तो आप लोग इनको यूज कर लेना। बाकी तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, बाकी यहां पर जो चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रख दी। ठीक है, ये एपीआई के बारे में पूरा आप लोगों को बता दिया, चीजों के साथ में कनेक्टिविटी करना और यहां पर चीजों को इस तरीके से लेकर चलना। ओपन सोर्स एपीआई जो होता है बेसिकली एक ऐसा एक सिस्टम होता है जहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे नहीं एक तरीके से कहीं एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग जाकर बोल सके मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई भी आप लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देगा। तो ये ओपन सोर्स एपीआईज बेसिकली उनको बोला जाता है। तो ये सिस्टम को यूज करने की यहां पर बात की जा रही है पूरा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। थम्स अप देकर बता सकते हैं कि एपीआईज वगैरह ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, तो इतने आसान शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है, ताकि आप लोग कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले। ठीक है, नेक्स्ट, और यहां पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप लोगों को यहां पर आर्टिकल देखने को मिलेगा।
इसके अंदर बात की जा रही है बेसिकली एक तरीका अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर आप लोग इसको काउंट करके देख सकते हैं। बात की जा रही है ओरिगेमी के बारे में। ओरिगेमी जो बेसिकली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये हमारी कंट्री में जो कानपुर है आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया एक मटेरियल जिसका नाम दिया गया ओरिगेमी मटेरियल। अब भाई साहब ये ओरिगेमी नाम कहां से निकल कर आया और यहां पर आखिर ये ऐसा क्या मटेरियल हो गया, इसके बारे में इतना डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हिंदू के द्वारा भी यहां पर ये न्यूज जो थी वो कवर की गई। तो यहां पर जापानीज जो आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग है उसको बोलते हैं ओरिगेमी। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे जापान के थ्रू जो यहां पर जापान के अंदर जो इस तरीके से पेपर को फोल्ड करते हैं वो ओरिगेमी होता है। पर लेकिन नॉर्मली यहां पर कुछ ऐसा मटेरियल जो कि यहां पर काफी लचीला हो, कल को चलकर कोई अर्थक्वेक आ जाए तो सोचो हमारी बिल्डिंग ऐसी हो कि वो झुककर फिर से सीधी खड़ी हो जाए, तो आप लोग सोचो यहां पर कि कितनी सारी त्रासदी को हम लोग बचा सकते हैं। तो ऐसा एक मटेरियल यहां पर बेसिकली इजाद किया जा रहा है। इसको भी आप लोग देखते हैं तोड़कर फोड़कर जरा सी देर में बचोर कर अपनी पॉकेट में रख लिया फिर से खोल के कर दिया। तो अगर कोई ऐसा मटेरियल अगर हमारे हाथ में लग जाए तो काफी एक शानदार इन्वेंशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है अगर इफेक्टिवली यहां पर इसको यूटिलाइज हम लोग कर पाए आगे आने वाले टाइम में। तो ओरिगेमी मटेरियल जो इसके दुनिया भर के यूजेस यहां पर हो सकते हैं जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतने सारे यूजेस आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये जो मटेरियल है यहां पर ऑप्टिकल एक तरीके से फिल्टरिंग के अंदर में, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर में, रिमोट एरो जो यहां पर स्पेस होता है उसके ऑपरेशन में, सेंसर डिटेक्टर में, सोलर पावर मैनेजमेंट में, इसी के साथ में क्राउड कंट्रोल में, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है रेडोम्स एंटीना लेंस, ये मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर इसका काफी लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन आज की डेट में जो हम लोग लेंस यूज करते हैं कन्वेंशनल लेंस, और यहां पर इसका जो लेंस बनाया जाएगा वो बिल्कुल फ्लैट आप लोगों को देखने को मिलेगा और उसको शानदार तरीके से वहां तक भी आप लोग चीजें देख सकते हैं जो नॉर्मल लैंप आप लोगों का नहीं देख पाएगा। यानी कि जो यहां पर डिफ्रेक्शन जो लिमिट होती है यहां पर वो आप लोगों को इसकी डिफरेंट नजर आएगी। जो बेसिकली आज के में जो ये ओरिगेमी का यहां पर आप लोग अगर लेंस यूज करोगे ज्यादा बेटर तरीके से ये विजुअल रेंज आप लोगों की बढ़ाता हुआ यहां पर नजर आएगा। यानी कहने का मतलब ये कि जहां पर भी इसको इस्तेमाल करेगा ये वहीं पर ही धूम मचाएगा, ये बात यहां पर बोली जा रही है अगर इसको यूज किया जाता है प्रॉपर वे में। तो यहां पर इसको यूज करने की बात की जा रही है और इसी के चलते सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है जिसका इस्तेमाल अगर ढंग से हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताएगा फिर आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वो दूर किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो कौन से आर्टिकल डिस्कस किए और कैसा लगा आर्टिकल आप लोगों को बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर एक कोटेशन देखी इंपॉर्टेंट थी, इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने बातें की। नेक्स्ट हम लोगों ने 498 सुनने के बाद में किसका मन कर रहा है कि शादी नहीं करनी है बताइए। हैकाथॉन के बारे में बात की यहां पर, डिजिटल फोन पे और ये सारी फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, सारी फाइन टैंक और ये एपीआईस क्या होती है, सारी चीजें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताई। इसी के साथ में यहां पर हम लोगों ने यहां पर बेसिकली ओरिगेमी के बारे में आप लोगों से बात की, मटेरियल क्या है और किस तरीके से इस्तेमाल करने की बात की जा रही है सब समझा हम लोगों ने, क्या क्या एप्लीकेशन है। इसी के साथ में यहां पर डार्क वेब और एनसीबी ये सब चीजें हम लोगों ने जानी पूरी डिटेल में, मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर किया कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं और कैसे यहां पर इनको रोकने की बात की जा रही है। और यहां पर नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर ग्लोए इसके बारे में बातें की। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने, इनका आंसर आप लोगों को देना है, सारे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, वीडियो को पॉज कर एक बार इनका आंसर आप लोग दीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो लास्ट डे के क्वेश्चन है वो डिस्कस करता हूं। मिनिस्ट्री कौन सी है यहां पर जिसके द्वारा 2.26 करोड़ यहां पर भी दिए गए, किसके लिए, ये मैदराम जात्रा जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। मैदराम जात्रा जो है सेकंड लार्जेस्ट फेयर है कुंभ के बाद में, किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। लासा फीवर के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था कहां से निकल कर आया। इसी के साथ में यहां पर जो देविका रिवर जो है वो किसके साथ में मर्ज हो जाती है और यहां पर किसकी सिस्टर रिवर इसको बोला जाता है। एनआरसीपी के बारे में मैंने डिस्कस किया था, इसके बारे में आप लोग बताइए जो कि पोल्यूशन को कम करने का काम करते हैं। इसी के साथ में क्वाड की मीटिंग कहां पर हुई और क्वाड का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था ये भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, एक एक कर देख लेते हैं। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर मैदराम जात्रा के बारे में बात की गई जो कि इंपॉर्टेंट है। मैदराम जात्रा जो है यहां पर तेलंगाना के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल कम्युनिटी का नाम याद रखिएगा, कोया ट्राइब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो कि यहां पर देखने को मिलती है। लासा ये नाइजीरिया से फीवर निकल कर आया जिसके बारे में डिस्कस किया। देविका रिवर प्रोजेक्ट हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिस्कस किया था बेसिकली, और ये रिवर रवि रिवर के साथ में जाकर मर्ज हो जाती है और गंगा रिवर की बहन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर नेशनल रिवर कंजर्वेशन जो प्लान है ये इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल फंडेड एक स्कीम है, 1995 में स्टार्ट की गई थी जो कि रिवर में पोल्यूशन को कम करने का काम करती है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्वाड की मीटिंग हुई अभी, फाइनेंस मिनिस्टर की जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी, और ऑस्ट्रेलिया सॉरी
ऑस्ट्रेलिया के अंदर मीटिंग हुई और क्वाड जो उसका आइडिया दिया गया था यहाँ पर जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे साहब के द्वारा 2017 में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए सॉरी यार, कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था तो 8:30 बजे नहीं लेकर आ पाया, तो उसके लिए सॉरी, पर सुबह आप लोग तैयार रहेगा 6:30 बजे, ठीक है। एग्जैक्ट आप लोगों को वीडियो मिल जाती है, अपने दिन को शानदार तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे जरूर बताया करो जैसे ये वीडियो आती है कि कैसे आप लोग दिन को स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। और आप लोग वहां पर एक तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हो मॉर्निंग में आते ही, ताकि आप लोग मुझे पता चल जाए कि हाँ आप सब लोग उठ गए हो, ठीक है। कमेंट करके बताया करो कि गुड मॉर्निंग सर उठ गए हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ जग रहे हो। उन्हें कहते हैं उठ जाओ जग रहे हो ना, जागते रहना, सुना होगा ना। तो उसी तरीके से तो एक बच्चा तो बोल भी रहा था सर आज की डेट में मम्मी का काम करने लगे, मम्मी जगाती थी अब आप जगाने लगे हो। चलो कोई नहीं, जगना जरूरी है, मम्मी जगाए चाहे हम जगाएं, जगना जरूरी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखें, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।